स्वामी नित्यानंद की तलाश तेज, विदेश मंत्रालय के संपर्क में गुजरात पुलिस। पृथ्वीराज चौहान बोले, कांग्रेस एनसीपी में सहमति का, शिवसेना से चर्चा करेंगे। लोकसभा में मथुरा के बंदरों के आतंक की चर्चा, हेमा मालिनी बोली, बंदर सफारी बने। आईएनएक्स केस में चिदंबरम से तिहाड़ में पूछताछ करेगी ईडी, कोर्ट ने दी इजाजत। फेक थी रानू मंडल की वायरल तस्वीर, मेकअप आर्टिस्ट ने दी सफाई। गुजरात में स्वामी नित्यानंद के आश्रम से दो दिन पहले अपनी दो बेटियों को छुड़ाने को लेकर एक दंपत्ति की ओर से गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किए जाने के बाद पुलिस लगातार विदेश मंत्रालय के संपर्क में है। स्वामी नित्यानंद और दो लड़कियां अभी फरार हैं। पुलिस स्वामी नित्यानंद के वीजा और बाहर जाने की संभावनाओं को लेकर विदेश मंत्रालय के संपर्क में है। नित्यानंद के त्रिनिदाद एंड टोबेगो में होने की शंका जाहिर की जा रही है। अहमदाबाद पुलिस ने इस पूरे मामले में नित्यानंद के खिलाफ गैरकानूनी तरीके से आश्रम चलाने और आश्रम में बच्चों के साथ मारपीट करने का मामला भी दर्ज किया है। और साथ ही पुलिस ये भी जांच कर रही है कि नित्यानंद की इस पूरे मामले में क्या भूमिका है। यही नहीं, बच्चों का इस्तेमाल डोनेशन एकत्र करने के लिए भी किया जाता था। इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता था, इसकी भी पुलिस जांच में जुट गई है। महाराष्ट्र में सरकार के गठन पर कुछ और समय लग सकता है। दिल्ली में गुरुवार शाम को एनसीपी नेता शरद पवार के घर पर कांग्रेस और एनसीपी नेताओं की बैठक के बाद कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने बताया कि सरकार गठन को लेकर दोनों दलों के बीच वार्ता पूरी हो गई है। कांग्रेस और एनसीपी के बीच सभी मसलों पर आम राय बन चुकी है, अब आगे की चर्चा मुंबई में करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव पूर्व हम अपने सभी साथियों के साथ बैठक करेंगे और सरकार गठन को लेकर बातचीत करेंगे। एनसीपी के साथ बातचीत के बाद कल मुंबई में शिवसेना से बातचीत की जाएगी। अब सब कुछ तय होने के बाद इसके संबंध में आगे की जानकारी दी जाएगी। यूपी के मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने मथुरा में बंदरों की समस्या उठाई। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से इस मुद्दे को गंभीरता से लेने का आग्रह किया और वन विभाग से वहां का एक जंगल सफारी बनाने की गुजारिश की। अपनी बात सदन के सामने रखते हुए हेमा मालिनी ने कहा कि मेरे इलाके में लोग बंदरों के आतंक से त्रस्त हैं। पहले वहां जंगल हुआ करते थे, अब पेड़ भी गिने चुने हैं। इस वजह से भूखे बंदर लोगों के घरों में खाने की तलाश में घुस रहे हैं। वहीं बिहार के जमुई से लोजपा सांसद चिराग पासवान ने कहा कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, समस्या बढ़ रही है, बच्चे पार्कों में नहीं जा पाते, बंदर काटते हैं। चिराग पासवान ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि लुंटियंस जोन में बोर्ड में लगे हुए हैं कि बंदरों से सावधान रहे। ये मथुरा ही नहीं दिल्ली की भी समस्या है। हमने उनके घर तोड़े, इसलिए वे हमारे घरों में घुस रहे हैं। मैं मैडम का शुक्रिया कहूंगा कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को तिहाड़ जेल में पूछताछ करने के लिए ईडी को इजाजत मिली है। दिल्ली की राउच एवेन्यू कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया केस में एजेंसी को 22 से 23 नवंबर तक पूछताछ की इजाजत दी है। इससे पहले चिदंबरम से पूछताछ के लिए ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। इससे पहले चिदंबरम की जमानत अर्जी पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चिदंबरम की अर्जी पर कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा। ईडी अब सोमवार को जवाब देगी और 26 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। गाने की क्लिप वायरल होने के बाद चर्चा में आई रानू मंडल सोशल मीडिया पर छाई रहती है। वीडियो वायरल होने के बाद रानू मंडल को बॉलीवुड में भी ब्रेक मिल गया। इसके अलावा हाल ही में रानू मंडल को रैम वॉक करते हुए भी देखा गया था। इससे पहले रानू मंडल की मेकअप वाली तस्वीर चर्चा का विषय बनी थी। रानू मंडल को उनके मेकअप के लिए ट्रोल किया गया था। रानू की मेकअप वाली तस्वीर लगातार शेयर हो रही थी। अब रानू मंडल के बचाव में उनकी मेकअप आर्टिस्ट भी उतर आई हैं। रानू की मेकअप आर्टिस्ट संध्या ने अपने इंस्टाग्राम पे अपनी सफाई पेश की है और वायरल हो रही तस्वीरों को फेक बताया है। ये पहली बार नहीं है जब रानू मंडल को ट्रोल किया गया है।
इससे पहले रानू मंडल का एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। उस वीडियो में रानू मंडल अपने एक फैन पर भड़क गई थी। दरअसल रानू मंडल की फैन रानू के साथ तस्वीर लेना चाहती थी और उस दौरान फैन ने रानू मंडल को छूने की कोशिश की। इस पर रानू मंडल भड़क उठी थी।